फ्राई अंडे मिलते हैं यहाँ पर। ठीक ठाक है, बढ़िया है यार। कैसा लग रहा हूँ कमेंट में जरूर बताना, एक नंबर लग रहा भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। गाइस, अभी हम हैं जयपुर में। पिछले दो दिन से हम जयपुर में ही थे। आकर्ष भाई के घर हमने स्टे करा, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ज़्यादा प्यार मिला यहाँ पर भाई। ऐसा लगा जैसे हम अपने घर पे ही हो। आज सुबह 8-9 बजे हम सो के उठ रहे हैं, तो दो दिन हमारे पता नहीं लगे हमारे कितने अच्छे बीत गए। अब समय हुआ है यहाँ से निकलने का। और ये था, यहाँ पर हमने अपनी साइकिल वाइकिल पार्क कर रखी थी। अभी रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। ये रे भाई, अपनी साइकिल सब रेडी हो चुकी है। और आकाश भाई, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। अभी चलते हैं, दादी माँ के पैर चुके। चलो आओ यार। ये हमारी दादी जी और ये भैया की मम्मी। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, तुम्हारी यात्रा खूब सफल हो भगवान। किससे बात कर रहे हो? घर पे। ओके माँ जी, बाय आंटी जी, नमस्ते, चलो भाई चलते हैं, थैंक यू। ओके आकाश भाई, फिर मिलेंगे यार, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए रेडी रहना, साथ में हिचहाइक करेंगे, मज़ा नेक्स्ट लेवल का आएगा। क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट में साइकिल का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है, हिचहाइकिंग बेस्ट है भाई। भाई ये है जयपुर का हवा महल भाई, बहुत ही खूबसूरत है, देख रहे हो। और इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई जयपुर में, देख रहे हो कितना ज़्यादा क्राउड है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई जयपुर में। तो भाई ये है जयपुर का हवा महल, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है भाई। और जयपुर का ट्रैफिक तो यार पूछो ही मत यार, इतना ज़्यादा ट्रैफिक सुबह सुबह, देख रहे हो भाई अभी 10:30 हुए हैं और 10:30 बजे ट्रैफिक कितना ज़्यादा यार। तो भाई निकल चुके हैं आपने अपने आगे के सफ़र के लिए, और जयपुर से निकलने के लिए कम से कम हमें भाई अभी 1-2 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि जयपुर भाई बहुत बड़ा है। और अभी ये देख सकते हो यार, अभी हम निकलने हैं गर्ल्स हॉस्टल यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज। ये है यहाँ का ट्रैफिक। गाइस अभी हम आ चुके हैं डिकैथलॉन, ये जयपुर का सबसे बड़ा डिकैथलॉन मॉल है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे और घूमेंगे पूरा मॉल। यहाँ पर अपने अपनी साइकिल पार्क कर दिए, अभी चलते हैं अंदर डिकैथलॉन में, घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं भाई। क्योंकि हमारे पास तो डिकैथलॉन का ऑल ऐसा सीरीज है, बस हम थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं भाई। ये जयपुर का सबसे बड़ा डिकैथलॉन मॉल है भाई, और यहाँ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टेंट है भाई यहाँ पर, क्या बात है। तो भाई फाइनली सबसे पहले आते ही हम सनग्लास चेक करें कि सनग्लास कितना अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई। भाई कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है तू भी, एक बार मैं चेक करके देखता हूँ भाई कैसा लगता है। ओ माय गॉड भाई, मारी खत्म सच में, कैसा लग रहा हूँ कमेंट में जरूर बताना, एक नंबर लग रहा है भाई, मस्त एकदम। ये देख रहे हो क्या लग रहा है भाई, सच में यार भाई डिकैथलॉन है तो बढ़िया कंपनी। तो भाई अभी हम आ चुके हैं साइकिल वाले सेक्शन में, ये देख सकते हो भाई, ये लिए हमारे दोस्त ने, ये नहीं है इस, आगे इसका डबल गियर है, वो है 36,000 की, इसका प्राइस नहीं पता भाई। भाई देख रहे हो यार क्या बात है, डिकैथलॉन में भाई मस्त मस्त साइकिल है एकदम बढ़िया बढ़िया। ये देखो भाई, यहाँ वो वाली है लास्ट वाली भाई, साइकिल तो एक से एक है भाई, मस्त मस्त एकदम। और 36,000, ये है 19,999, 20,000 उसकी तो वाली है भाई, ऊपर वाली जो अपने को हम देखते हैं भाई क्या होता है भाई, ये तो वापसी आ गया भाई। तो चलो कोई नहीं, कोशिश एकदम बेस्ट थी यार। गिरा गिरा। भाई अभी अंबानी जी के पेट्रोल पंप पे बैठे हुए हैं और बिस्किट खा रहे हैं भाई। यार यहाँ सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है मुझे क्यों आ रहा है, यहाँ पर ना नान है ना छोले भटूरे, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, बस गोलगप्पे भरे पड़े हैं भाई, आप गोलगप्पे जितना मर्जी खा लो। और अभी थोड़ा यहाँ बैठे हुए हैं, पानी पी लिया, पानी पर गर्म है यार, पर ठीक है यार,
पानी पी लिया, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद निकलेंगे आगे तरफ। ये था जियो का पेट्रोल पंप, काफी मस्त लगा हमें इसलिए हम बैठ गए थोड़ी देर। तो भाई अभी पेट्रोल पंप पे ही बैठे हुए थे और बराबर में था एक कैफे, कैफे वाले भैया आए बाहर हमसे हाल चाल पूछने लगे थे, उसके बाद भैया ने स्टिंग और साथ में ये थैंक यू सो मच भैया। ये भाई न्यू ओपन हुआ है अभी ये। तो भाई एक घंटे आराम करने के बाद अब निकलते हैं यहाँ से। कैसा लग रहा हूँ, दावगुजा लग रहा हूँ यार मैं, आज मैंने फर्स्ट टाइम हेलमेट लगाया, मास्क लगाया है और अभी चलते हैं यहाँ से। अब हम गांव में से निकल के जाएंगे आगे की ओर, क्योंकि हाईवे में भाई धूप बहुत ज़्यादा है यार, इसलिए हम जियो के पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे। अभी ये 10-11 दिन हुए हैं इसे ओपन हुए हुए। तो भाई फाइनली हमने हाईवे को छोड़ दिया और अब हम जा रहे हैं गाँव के रास्ते से। गाँव के रास्ते से हमें भाई 10 किलोमीटर शॉर्ट पड़ रहा है इसलिए, और भाई गांव में जाने का मज़ा ही अलग है यार। लोग देखते हैं सेलिब्रिटी वाली फील आती है एकदम मस्त वाली, और गांव वाँव में से निकल के जाते हैं। ये देख सकते हो भाई कुछ ऐसा है, अभी देखो आंटी जी देखेंगी कहां से आ रहे हैं बच्चा। तो भाई गांव से निकलने का यही तो असली मजा है कि यार यहाँ पर भेड़ बकरियाँ गाय सब कुछ यहाँ का आनंद लेते हुए जाएंगे, और यहाँ पर खेती बाड़ी भी हो रही है ये देख सकते हो आप, और इधर भी भाई क्या बात है। अरे इधर आओ मोहित सावन, इधर आओ मोहित सावन, दीपक इधर आओ तीनों। हाँ तो भाई अभी हम पहुँचे हैं बोराज गाँव में, और अभी यार बहुत तेज भूख लग रही थी यार, और खाने के लिए बस यहाँ पर समोसे कचौड़ी और चाट वाटी है, इसलिए हम खा रहे हैं भाई अंडे। और अंडे यहाँ पर देख सकते हो भाई, फ्राई अंडे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक ठाक है बढ़िया है यार। और यहाँ से जो हमारी सांभर की दूरी है वो यहाँ से 28 से 30 किलोमीटर की दूरी है, देखते हैं आज पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते। पहले तो पेट पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार सुबह भाई के घर से सिर्फ पोहा और कचौड़ी खा के निकले थे, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया, अभी अंडे खा रहे हैं। ये है भाई अपने फ्राई अंडे। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6 और अभी हम पहुंच चुके हैं उगरियावास गांव में, और यहां पर हमें एक ये मंदिर दिखा था, यहां पर हमने महाराज जी से पूछ के आज हम यहीं पे रहने वाले हैं, और महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी खाने की भी व्यवस्था मैं करवा देता हूं। कितनी अच्छी बात है यार, खाने की व्यवस्था भी अपनी हो जाएगी और मज़े में अब यहाँ पर रहने वाले आज। और यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, देख लो भाई पूरा स्पेस है और सामने बच्चे खेल भी रहे हैं मज़े में यार, एकदम मस्त लग रहा है सीन एकदम। कैसा लग रहा है कमेंट में बताना भाई, ऐसी खुली जगह भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पसंद है नहीं कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। भाई शहर से आप एक बार हट के रह लो, काफ़ी मज़ा आता है यार, शहर में तो ऐसा लगता है ऐसे बीच बीच के रह रहे हम, पर बाहर जब खुला स्पेस मिलता है ना आपको तो मज़ा ही अलग आ जाता है। अभी शाम होने को आई है और महाराज जी थोड़ी लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, लाइट ये खंभे से लेते हैं। ये लग चुके हैं अपने अपने टेंट, महाराज जी कह तो रहे थे कि अंदर सो जाना, पर अंदर यार नहीं, हमने भारी टेंट लगा लिया। ये है मेरा टेंट और पल्ले वाला मोहित का टेंट है, उसका 4 पर्सन का टेंट है, इसलिए सारा सामान उसी के में आ गया, आज मैं अकेले मज़े में सोऊंगा। और ये रही भाई अपनी अपनी साइकिलें, और सामने है भाई हाईवे, क्या बात है। अभी खाना बनना हमारे लिए गर्म गर्म, महाराज जी बना रहे हैं अपने हाथों से। तो भाई ये आ चुका है अपना आज का डिनर, वो भी महाराज जी के हाथों का, क्या बात है भाई।